नमस्कार, मैं प्रधान अध्यापक सुतेश चंद प्राथमिक विद्यालय मकरनपुर रसूलाबाद कानपुर देहात उत्तर प्रदेश आप सभी का स्वागत करता हूं। आज विद्यालय में छात्रों को क्ले मॉडलिंग के द्वारा पर्वत, पठार और मैदान, इन तीन भू आकृतियों के विषय में जानकारी दी जा रही है। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आप ये आकृतियां देख रहे हैं? इस आकृति को कहते हैं पर्वत। अधिक ऊंचा, ऊबड़ खाबड़, बर्फ की चोटियों से ढका पर्वत कहलाता है, जैसे हिमालय पर्वत। इस आकृति को कहते हैं पठार। धरातल से उठे ऊंचे समतल भूभाग को पठार कहते हैं। इस आकृति को कहते हैं मैदान। समतल भूभाग को मैदान कहते हैं, जैसे गंगा का मैदान। अब देखिए, ये तीन आकृतियां आपको दिख रही हैं? अच्छा, इस आकृति को क्या कहते हैं, कोई बताएगा मुझे? विमल, आप खड़े हो जाए, आप इधर आए और इस आकृति के बारे में बताएं। अधिक ऊंचा, ऊपर का बर्फ की चोटियों से ढका पर्वत कहलाता है, जैसे हिमालय पर्वत। वेरी गुड, सिट डाउन, बैठिए। इसके बाद इस आकृति को देख रहे हैं आप लोग? यस सर। इस आकृति के बारे में कौन बताएगा? निखिल, स्टैंड अप, आप यहाँ आए और इस आकृति के बारे में बताएं। ये पठार है, धरातल से उठे ऊंचे समतल भूभाग को पठार कहते हैं, जैसे दक्कन का पठार। वेरी गुड, सिट डाउन। अब आप इस आकृति, तीसरी आकृति को देख रहे हैं? इस आकृति के बारे में कौन बताएगा? शिवांगी, स्टैंड अप, आप आए और इस आकृति के बारे में बताएं। ये मैदान है। क्या है? मैदान। वेरी गुड, मैदान किसे कहते हैं? समतल भूभाग को मैदान कहते हैं, जैसे गंगा का मैदान। वेरी गुड, समतल भूभाग को मैदान कहते हैं, जैसे गंगा का मैदान। तो अधिक ऊंचा, बर्फ की चोटियों से ढका पर्वत कहलाता है, जैसे हिमालय पर्वत। धरातल से उठे ऊंचे समतल भूभाग को पठार कहते हैं, जैसे दक्कन का पठार। और समतल भूभाग को मैदान कहते हैं, जैसे गंगा का मैदान। आप लोगों ने देखा, छात्रों ने आज क्ले मॉडलिंग के दौरान छात्रों को ये जानकारी दी गई, पर्वत, पठार और मैदान। मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।